हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कैसे आप लोग दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि अपना बोन ग्राफ्टिंग जो होता है उसके बारे में। तो बोन ग्राफ्टिंग जो है ये अपना मेरा 2 बार हो चुका है। ये जब हड्डी अगर जैसे जुड़ती नहीं है अपनी बोन की, ये जो जॉइंट नहीं होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी वक्त हो जाता है, तब जाके बोन ग्राफ्टिंग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और क्योंकि वो नॉन यूनियन रहती है, जॉइंट नहीं हो रही होती है, इसी वजह से। तो जैसे लिवर लगने के बाद में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना होने देख रहे, अभी तक जॉइंट नहीं हो रही है, तो कुछ तो तकलीफ है। ज़रा भी कुछ जॉइंट होने का जैसा कुछ आसार नहीं है। एक्सरे में हम लोग विज़िट के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि बोन जॉइंट ज़रा भी नहीं हो रही है, ज़रा भी उसके कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तब जाके बोन ग्राफ्टिंग होती है। और बेसिकली ये बोन ग्राफ्टिंग जैसे कि मुझे क्यों हुआ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस है। तो मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था और उसे रिमूव कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 महीना 3 महीना वो एंटीबायोटिक्स चालू थे, दवाइयाँ चालू थी जो सबको होती है इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन के लिए जो भी है। तो उसके बाद में वो इन्फेक्शन के लिए जो दवाइयाँ चालू थी काफ़ी चालू थी, लेकिन फिर भी इंटेक तो ले रहे थे हम लोग ऑपरेशन होने के बाद में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से या बोन फास्ट रिकवर नहीं हो रहा, हील नहीं हो रहा, उसमें टिश्यूज नए न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, पैदा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से वो जॉइंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये बोन ग्राफ्टिंग डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। हमारे ज़्यादा करके जिसका इन्फेक्शन हुआ रहता है उसका बोन नहीं जॉइंट होता है, 80% चांसेस ज़्यादा होते हैं उन्हें बोन ग्राफ्टिंग के, और इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ, मेरा तो 2 बार हुआ है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये जो कमर होती है यहाँ पे, यहाँ से मेरा यहाँ से निकाला गया है ये कमर के, यहाँ से वापस आप लोगों को अगर दिखा, क्योंकि बार बार आप जैसे पूछते हैं तो यहाँ से निकाला गया है, यहाँ पे कट अगर आपको दिख रहा है, यहाँ से बोन ये कट है, तो यहाँ से कट मार के आपको दिख रहा है। तो ये जो कट होता है, ये कट अगर आप देख रहे हो तो ये बोन ग्राफ्टिंग मेरा 2 बार हो चुका होता है। तो भाइयों, यहाँ की जो बोन होती है यहाँ से कट किया जाता है, उसको अंदर से थोड़ा सा टिश्यूज जो कि दूसरी जगह यहाँ पे डाला जाता है कट करके, तो कमर की हड्डी निकाल के, कमर की हड्डी ये जो आगे हैं डिपेंड करता है आगे से या पीछे से, जैसा जैसा जिसका जिसके सर्जन को मतलब जैसे उनके हिसाब से कैसा करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी निकालते हैं और थोड़ा पीछे से भी निकालते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो किसी किसी का कमर के यहाँ से निकालते हैं और एक पीछे से। तो मैंने सर्च किया ऐसा वो टाइम पे, तो डॉक्टर ने बताया था कि यहाँ से निकालेंगे यहाँ से पीछे से, तो मेरा ये आगे से कमर के यहाँ से निकाला हुआ है। तो वो जो होता है बाद में, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है कि वो लोग इतना निकालते, एक छोटा सा सेंटीमीटर टाइप पकड़ लो, और ये जो ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पकड़ लो, इतना टाइम नहीं लगता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी ऑपरेशन हो गए तो मुझे अभी डर ही नहीं लगता है। तो डरने वाले तो डरेंगे, बट ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी अगले दिन ऑपरेशन डे था, भले छोटा ही क्यों ना हो, एनेस्थीसिया पीछे लगती है, पीछे रीढ़ पे, तो पता चलता ही। तो ऑपरेशन ही तो डर तो लगेगा, मैं नहीं बोल रहा। तो बेसिकली बोन ग्राफ्टिंग जो होती है, ये कमर की हड्डी यहाँ से निकाल के जो है यहाँ पे मेरी डाली गई थी, और ये यहाँ पे, और ये जो अगर आपको आप लोगों को कहाँ, हाँ ये जो कट दिख रहा है, यहाँ से कट करके
आपको देख रहे हैं आपको तो मुझे तो बहुत सारे कट्स हैं क्योंकि काफ़ी बार खोला गया है, काफ़ी बार ये जो काफ़ी बार खोल खोल गया पैर, तो यहाँ पे डाला जाता है जहाँ पे नॉन इंडियन होती है जो कि कमर की हड्डी निकाल के वहाँ पे डाली जाती है। क्लियर हो गया। अपनी बॉडी का टिश्यूज होता है तो अपने को ही सूट होगा, वो ऐसा नहीं है किसी और का डाल सकते हैं, ये अपने को सूट होगा ये अपना ही डाला जाता है, उसको बोन ग्राफ्टिंग बोला जाता है। और ये किसी और इंसान का नहीं डाल सकते या किसी और जानवर का, ये अपना ही टिश्यूज जो कि वो मैच होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये अपने बॉडी का पार्ट जो ग्राफ्ट होता है उसे वहाँ डाला जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को मैच हो जाए और वो रीबॉर्न हो जाए, तो इसीलिए बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल लाइक 99% सक्सेस होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी थोड़ा सा और लेट भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% सक्सेस ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है। और वही जैसे मैंने बोला जल्द से जल्द हो जाता है एक घंटे का, उससे भी कम 60-90 मिनट्स हुई एक घंटा या डेढ़ घंटा, और नॉर्मल एनेस्थेसिया या देके पीछे से पटाक्सी कर देते हैं। और तो बोन ग्राफ्ट करने के बाद में आज बोन निकाला गया हमारा, तो उसके बाद में बोन निकालने के बाद में जब एक्सरे निकालता है तो एक्सरे में भी आपको जैसे हड्डी दिखती है तो बाजू बाजू में बोन दिखती हो जो ग्राफ्टिंग किया होता है, और वो धीरे 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 उसको ज्वाइन कर लेती है। जैसे ये इतना है तो यहाँ पे गैपिंग में डालते वो लोग और वो ज्वाइंट हो जाती है इसे कुछ दिनों बाद में, तुरंत नहीं कुछ दिनों बाद में, तो वो ऐसे ज्वाइंट हो जाएगी। तो जो कि नॉन इंडियन रहती है ऐसी रहती है, ऐसी रहती है किसी किसी का, तो वो इतनी गैप रहती है उसको वो लोग भर देते हैं, तो वो ज्वाइंट हो जाती है कुछ दिनों बाद में या तुरंत ही, जैसे जैसे डॉक्टर ने उसे ग्राफ्ट करके ऑपरेट किया हुआ है। तो उसके बाद में हमें वेट करना होता है, ऐसा नहीं कि आज जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है 2022, तो जैसे कि अभी जैसे किसी का हुआ है तो तुरंत 5-10 दिन में वो जॉइन हुआ, उससे भी टाइम लगता है बोन ग्राफ्ट होने के लिए भी, बोन ग्राफ्ट होने के बाद मतलब, तो उसे भी वेट करना पड़ता है हमें, ऐसा नहीं कि बोन ग्राफ्ट हो गया तो तुरंत जॉइन हो गया, तो बोन ग्राफ्टिंग के बाद में भी वेट करते हैं और धीरे धीरे वो जॉइंट होता है। तो इसीलिए फिर उसको एक फिर वापस 15 दिन में आप या 1 महीने बाद में जैसे आपके आपके डॉक्टर ने विज़िट के लिए बुलाया है, और फिर बाद में उसमें पता चल जाता है धीरे धीरे जॉइंट हो जाए। फिर ऐसे करते करते 2 महीना या 3rd महीने में कन्फर्म हो जाता है कि जॉइंट, मतलब वो तो उनको तो पता ही चल जाता है फर्स्ट इसमें सेकेंड इसमें, तो फिर बाद में वो हमें बता देते हैं और फिर उस हिसाब से इलेजर कब निकलेगा कैसे निकलेगा, 3 महीने बाद में 4 महीने बाद में, या किसी की प्लेट है वो अंदर से प्लेट है और फिर भी बोन ग्राफ्टिंग किया हुआ है, तो उस बिहाफ पे पता चलता है कि मतलब कैसे कब निकलना है। वो जॉइंट अगर हो रहा है तो उसके बाद में वो जो अगला प्रोसेस है वो डॉक्टर से हमें बताते हैं कि अब निकलेगा या जैसा उनको सही पड़ता है कि अभी जॉइंट हो चुका है अभी प्रेशर देके चल सकते हैं तो इलिजिवर निकलेगा या प्लेट, मतलब प्लेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोन ग्राफ्टिंग, मतलब बोन ग्राफ्टिंग जैसे कि प्लेट है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि प्लेट तो निकलती नहीं, प्लेट तो बाद में निकलेगी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये इलिजिवर जो होता है उसे तो निकाल के हम लोग ज़िंदगी भर घूम नहीं सकते, इसीलिए हम लोग ज़िंदगी भर घूम नहीं सकते, तो इसीलिए तो इसे निकाला जाएगा जैसे आपका बोन ग्राफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे 2-4 महीने में, तो फिर इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो बोन ग्राफ्ट होने के बाद में आप अच्छा अच्छा खाना खाइए, कैल्शियम प्रोटीन, तो उस भी आप पे आपका जो बोन है वो जॉइंट हो जाएगा। और बोन ग्राफ्टिंग को अगर डॉक्टर बोलते हैं तो मायूस मत होइए या ऐसा टेंशन मत लीजिए, बहुत लोगों का नहीं होता है जॉइंट, तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वेट करते हैं डॉक्टर, मतलब टाइम देते हैं काफ़ी टाइम देते हैं, उसके बाद में बोन ग्राफ्टिंग जो है वो करते हैं।
डॉक्टर कोई जानबूझ के नहीं करता, जो एक्सरे होता है वो अपना खुद का होता है उसमें पता है। अब लाइक आप लोग को भी अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ही होगा खुद का एक्सरे देख देख के, और हर बार अच्छा ये इतना जॉइंट हो रहा है, अच्छा ये इतना, उतना तो समझ में आ ही जाता है। तो उस हिसाब से वो लोग भी ऐसा करते हैं। और सजेशन फॉर द बोन ग्राफ्टिंग, तो बस हमेशा की तरह मैं बोलूँगा टेंशन मत लो, अपने आप को माइंड फ्री रखो, और ये सब तो लाइफ के फेसेस है, इसे पार करना सीखो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो। शुक्रिया, थैंक यू फॉर सपोर्ट। और दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है, जैसे बोन ग्राफ्ट अगर यहाँ से लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वापस दिखा रहा हूँ क्योंकि पूछते हुए कोई भी जो कट है, तो ये धीरे धीरे ये भी 10-15 दिन में ना भर जाएगा, ठीक है। ये जो बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है हमारे यहाँ से, कमर की हड्डी जो निकाली गई है वहाँ से टिश्यूज, क्योंकि तो वो यहाँ पे आपको ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिए। वो 10-15 मतलब जैसे कि स्टिचेस रहते, देखे आपने कितना बड़ा है, तो मेरा 2 बार हुआ है, तो स्टिचेस मेरा 2 बार इसलिए हुआ कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, पैर कट करने वाले थे भाई मेरे इसीलिए, और तो वो नॉन इंडियन था, मेरा पैर की हड्डी इतनी इतनी निकाली गई है काली, तो इसीलिए मेरा जो है बोन ग्राफ्टिंग वहाँ पे वो खाली हो गया जगह, जो कि भर नहीं रहा था, तो वो खाली जगह पे वो डाला जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको वापस वो बता रहा हूँ, ये जो यहाँ से निकाली गई है यहाँ से निकाली गई है यहाँ से, तो कमर के यहाँ से निकालने के बाद में यहाँ पे डालने के बाद में ये टेंशन मत लीजिए कि यहाँ खड्डा हो जाएगा या यहाँ कुछ हो जाएगा, ये जो यहाँ पे निकाले वो भर जाता है, वो भी भर जाता है, और वहाँ पे कोई पेन वेन नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, मुझे नहीं हुई है। और जैसे कि मैंने कहा, मेरा डॉक्टर लोग वॉज बेस्ट आई थिंक, तो मुझे अभी तक ना एनेस्थीसिया मैंने इतनी बार लिया है, मैंने 6-6 बार पीछे से एनेस्थीसिया लिया, वो मैंने काफ़ी हाथ से 2 बार लिया है, और मेरी सर्जरी हुई है जैसे कि आपने देखा, मेजर तो 6 हुई है और ये 2-3 हुए हैं छोटे मोटे। तो बेसिकली मेरा बोलना ये है कि जो बोन निकालते हैं यहाँ से, इसके लिए भी आप डरो मत, ये स्टिचेस निकल जाते हैं, जैसे सूख जाएगा आपका स्टिचेस यहाँ का बोन ग्राफ्टिंग वाला, वो निकल जाएगा, जैसे उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा सा जैसे पैंट पहनना ये पहनना, वो 10-15 दिन तकलीफ होती है क्योंकि यहाँ पे ही रहता है। तो बेसिकली मेरा बोलना ये है कि उसका कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि दिमाग में रहता है कि यहाँ से हड्डी निकाली है, अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो एक्चुअली उसके लिए उन्होंने स्टडी की रहती है, वो प्रोसेस वहीं से निकाला जाता है, ठीक है, वहीं की निकाली जाती है। तो इसी के लिए उससे डरने की कोई बात नहीं है, और तो उसको वहीं से निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ की हड्डी होती वो यूज़ अभी जैसे यहाँ की वहाँ की तो निकाल नहीं सकते या पीठ की, तो ये जो होता है ये जो यहाँ पे कमर के यहाँ पे, तो वो हड्डी जो होती है तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब होती है, तो अगर वो निकाल देते थोड़ा सा तो बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए निकाला जाता है। तो ऐसा नहीं निकल गया तो फिर वहाँ पे भी तकलीफ होगी, तो वही बताना चाहता हूँ, वो ऐसी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अगर निकल जाए तो वो भी भर जाती है थोड़े दिनों में, ऐसा नहीं है कि वो भरेगी नहीं, तो वो भी भर जाती है। तो कहीं और से भी निकालते होंगे जिनका थोड़ा सा ग्राफ्टिंग करना होता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा करके यहीं से निकाला जाता है, और खुद का टिश्यूज़ रहता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि खुद का है ना मेरा, तो वो बॉडी को सूट होगा, तो बेसिकली ज़्यादा करके खुद का ही रहता है, लाइक बोन मैरो या ग्राफ्टिंग जो बोलते हैं टिश्यू,
तो वो अच्छे से मैच होगा। और इसीलिए इसके पहले तो आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे बोन ग्राफ्टिंग की वजह से मेरी बोन पहले जो नीचे किया था अपने नीचे, तो नीचे देखा हुआ है, नीचे जॉइंट हो चुकी है, ऊपर का थोड़ा लग रहा है टाइम, तो अभी वक्त लगेगा, वक्त धीरे धीरे ठीक होगा, तो होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आप भी पॉजिटिव रहेंगे और ये सब, तो जैसे कि बोला मैंने आपको, सबको तकलीफ़ें हैं, बोन जॉइंट नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि ऑपरेशन हो गया है, ठीक है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, ऑपरेशन हो गया, लेकिन ये बोन टूटने के बाद में ये सब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। जिस जिसकी बोन टूटी है पैर की हाथ की, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, नहीं जॉइन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ठीक है दोस्तों, ये स्टेजेस है, लेवल बोलते हैं ना, जैसे हम लोग लाइफ गेम में लेवल्स होते हैं, तो ये लेवल ही समझ लो और इसे अच्छे से टैकल करना सीखो, अच्छे से इसको पूरा क्लियर करना सीखो, उसके बाद ही सब आप लोग मतलब कर पाओगे। और इसे हार नहीं मानना, लाइफ है, ठीक है, ऑप्शंस निकालो, ढूंढो उसके अंदर, उसी को लेके बैठ के सालों साल अपने वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, एक्सरसाइज करते रहिए, सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बिना तो नहीं जल्दी ठीक होता है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज मैंने हर एक वीडियो में बोला हुआ है, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आप दबा के चलो, एक्सरसाइज करो, बिना एक्सरसाइज के आप नहीं मूवमेंट करोगे, नहीं मूवमेंट होगा, मसल्स मूवमेंट नहीं होगी तो उससे काफ़ी तकलीफें होती है, स्टिफनेस आ जाएगा, एंकल स्टिफ हो जाएगा, नी स्टिफ हो जाएगा, दुनिया भर का मगज मारी बाद में झेलने से अच्छा अभी चलो, बाद में नहीं होगा, बाद में टाइम ज़्यादा जाएगा, तो अभी कर लो, अभी कर लो। मैंने क्यों किया हूँ, मेरा भले ही पैसा गया, मैंने CPM थेरेपी, मैंने एंकल भी, मेरा मुझे लगा था कि मेरा नीचे जाएगा तो मैंने उसके लिए जूता बनवाया, या मतलब जो भी मेरे ऑर्थोपेडिक थे उन्होंने वो टाइम पे ही दिया था, जो कि एकेलेज और में ऐसा पट्टी था तो पीछे साइड में बांध के, अगर मेरे पिछले मतलब काफ़ी वीडियो में है वो सैंडल थी वैसी, तो वो ऑर्थोपेडिक सैंडल होती तो वैसा वो पीछे था बांध के रखे थे, तो एंकल मेरा कोई ड्रॉप नहीं है, नी का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी का स्टीक हो जाता है 4-5 साल, तो पेटेला टूटा है मेरा और लिगामेंट का प्रॉब्लम है, तो साइड में है वो टेला, तो वो बैंड नहीं होता है, तो उसकी वजह से जब वो अपनी जगह पे आ जाएगा तो जॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में आया हुआ है, क्योंकि आपने देखा मैंने CPM में घर पे मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में जब लेजर नहीं लगा था तो 2 महीने के लिए था, मैंने रेंट पे लिया था, उसका 120 रुपीज़ डे का था रेंट, और फिजियोथेरेपिस्ट रुक जाते थे और उन्होंने भी बहुत कोशिश की, और फिर रिपोर्ट में आया तो भी बोले कि नहीं ये इससे नहीं होगा, इसके लिए आपको लिगामेंट का ACL सर्जरी जो होता है वो, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, लेकिन मैं पेन बैर करना सीख गया हूँ भी, तो बेसिकली मुझे यही बोलना है कि कोशिश करती रहिए। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट किया तो मैं चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो वो बोलते थे मसल ठीक ना, अब मसल के लिए क्या किया जाए, तो चलो पेन थेरेपी, चलो फिर फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट जाता था, तो वहाँ पे वैक्स थेरेपी हो गया था, तो उससे भी बहुत अच्छा फील होता था, फिर उसके बाद में पेन थेरेपी वो तो बताया था, फिर कपिंग थेरेपी, जो कप्स होते हैं वो अपने यहाँ पे लगाते हैं उसको खींचते हैं, तो इन्फेक्शन था, दर्द दर्द होता था, लेकिन वो फील अच्छा होता था, तो मेरा कैसा है ना, मसल्स मूवमेंट होते रहे स्टार्टिंग से, और आज भी मैं चलता हूँ, भले पैर में लगा है इल्यूजर, लेकिन फिर भी मैं अब जब भी क्या बोलते हैं उसको ये कहा गया, हाँ जब भी रिंग वाला इल्यूजर भी था तभी भी मैं चलता था बहुत ज़्यादा, ये लगा है अभी भी चलता हूँ, और दोनों लगे तो भी चलूँगा ही, और
मुझे उसके रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि चलता हूँ तभी वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। हाँ अभी एकदम ही सब ठीक नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से मेरा बोन टूटा है आपने देखे पार्ट से तो इतने जल्दी नहीं होगा। जब नॉर्मल फ्रैक्चर होता है तो उसको 3 महीने लगते हैं, आपने देखा है 45 डेज स्टार्टिंग है हेडलाइन फ्रैक्चर के। तो अपना तो भाई टूटा, टूट के साइड नहीं हुआ, टूट के साइड हो गए उसके चूहे चूहे हो चुके हैं, तो कहाँ तुम्हारा 3-4 महीने में होगा। ऊपर से सिर्फ फीमर नहीं टूटा, फीमर 2 जगह टूटा है, नीचे टीबिया में गैपिंग टूटा हुआ बहुत सारा, तो नी टूटा है पटेला, तो 3 महीने में तो नहीं ठीक होगा। इसके लिए मुझे 2-3 साल जो भी लग रहे हैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं तो 4 साल लग जाएंगे। मैं 4 साल बाद भी बोलूँगा मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट मेरा रिकवर होने को आ चुका है। तो बस ये लीजर अभी निकल जाए, जैसे कि डॉक्टर लोगों ने तो बोला हुआ था कि दिसंबर के बाद निकलेगा, लेकिन ये हमें जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना। तो मैं वो बुलाते 1 महीने बाद में, मैं 20 दिन 15 दिन में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 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 खुद जल्दी ठीक होना है। मुझे चेक करना है क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, मतलब जो भी मैं खा रहा हूँ कैल्शियम वाली चीज़ें, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उससे कितना मुझे वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसकी अंदर मेरे शरीर के अंदर मैं उसको कितना मुझे वो फल रहा है। तो इसीलिए मैं चेक 15 दिन बस जा रहा है थोड़ा पैसा, लेकिन क्या है ना जिम्मेदारियाँ खुद के ऊपर है तो मुझे करना ही है। और मुझे चलो तो मुझे जल्दी ठीक होना है तो मैं करूँगा, बेड पे बैठे रह के क्या करूँगा, क्या करूँगा अकेले, तो अपने काम करूँगा तो सही है, नहीं तो बैठ के क्या करूँगा, टाइम पास करने से अच्छा है जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने आप को ठीक कर पाऊँ। जैसे पहले ठीक कर रहा था अपने आप को वैसे अभी ठीक करूँगा जल्दी से जल्दी, और हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, स्ट्रांग रहूँगा और चलते रहूँगा जैसे मेरे डॉक्टर ने बुलाया, एक्सरसाइज करूँगा, मसल मूवमेंट करूँगा। जैसे मेरा ये फीवर काफ़ी निकल जाएगा, प्रे करो जल्दी निकल जाए और आप लोग भी सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, दुआ यही है मेरी सबसे। और बस दोस्तों, और शुक्रिया मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आप देखिए और पॉजिटिव रहिए, और आपका अगर टूटा है भाई, टूटा है हाँ भाई मारे को बोल रहा हूँ, अरे टूटा है ना भाई और ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हें ठीक करना है, डॉक्टर को ब्लेम मत करो, या जैसे कि टाइम लग रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है गलती होती या नहीं होती है, लेकिन हम लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि डॉक्टर की गलती है, मेरा ठीक नहीं होगा, मैं दूसरा डॉक्टर के पास जाऊँगा, मैं ये करूँगा मैं करूँगा, हो सकता है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करो कि खुद को ठीक होना है। तो डॉक्टर का काम वहीं पे ख़त्म हो गया, उन्होंने सर्जरी की, आपको घर पे छोड़ दिया, उसके बाद में आप बैठे रहोगे, लेटे रहोगे दिन भर और सोचोगे ऊपर वाला ठीक करेगा, या डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर ने सिर्फ ऑपरेशन किया, उसके बाद डॉक्टर ने जब डिस्चार्ज या ऑपरेशन के बाद में आपको मिलने आते थे क्या भाई, बराबर ना मिलने आते थे तो आपको बोला गया था कि आप मूवमेंट कीजिए, आप वॉकर से चलिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, अब आप घर पे आ गए, अब घर पे आने के बाद में आप जो है भूल गए, आपको पेन हो रहा है, आप सोचे मैं बाद में करूँगा, आप नेक्स्ट सोचे में अरे सर ये दुख रहा है, अरे सर वो दुख रहा है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पूछो सर ऐसा दुख रहा है तो मैं ऐसा चल सकता हूँ क्या, कि मुझे कोई तकलीफ होगी फ्यूचर में तो मैं नहीं चलूँ, सर ये एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ। आप बैठे रहोगे तो आपका टाइम इतना जाएगा और स्टीफ होगा, स्टीफ इन द सेंस जकड़ जाएगा, जकड़ गया 3-4 महीने 5 महीने जकड़ गया, ख़त्म हो गया। मेरा ये देखिए, ये मेरा अगर आप हर एक वीडियो में देखोगे मेरा ये भी बैंड नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ये फूट गया था यहाँ पे भी अगर दिख रहा होगा, मेरा एक्सीडेंट में बहुत सारी चीज़ें है, मेजर एक्सीडेंट था ये सब, तो मैंने 2 महीने में ये सब ठीक कर लिया है, ये भी टूटा हुआ है, अगर हर वीडियो में देखोगे मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता, ये मेरा लास्ट है। तो हर चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रहने बोल रहा हूँ, मेरा मेजर हुआ है, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा, जिन्हें बेचारों का पैर बहुत ही ज़्यादा टूटा होगा, पूरा पैर टूटा है मेरी तरह और भी मेरे से ज़्यादा टूटा है, तो
उन लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, टूटिया ठीक है, खड़े हो सकते हो, हो सकता है, मेरी हड्डी में इतना इतना गैपिंग है, आज वो भर गया है, मेरे एक्सरे देखिए, इतनी गैपिंग है, इतनी वो भर गया है, तो टाइम लगता है। तो मुद्दा यही है कि डॉक्टर का काम हो चुका है, घर पे आने के बाद में ये भाई आपका काम है, भाई बहन ये आपका काम है, आपको ठीक होना है, खुद को ठीक होना है, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, बैठे रहोगे नहीं होगा। अगर डॉक्टर बता रहा है एक्सरसाइज तो करो 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 करो, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ें, खाने चीने की खाने को नहीं मन कर रहा खाओ, रिलेटेड टू बोन है भाई खाओ खाओ, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, पैर टूटा है ठीक है, या हाथ टूटा या बोन टूटा, ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं, ज़िंदगी बहुत बाकी है, टाइम लगता है, किसी और की जर्नी सुनो। तो पहले प्लेट लगती थी किसी किसी को, तो पहले उतना इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए और बने रहिए मेरे साथ में, और देखते रहिए और खुश रहिए। दुआ करूँगा सबके लिए, आप ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी। शुक्रिया, बाय बाय।